अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे हमारा लाइब्रेरी साइंस पार्ट वन का लेक्चर है जिसमें हम चैप्टर नंबर 3 जो है लाइब्रेरियों और किताबों की तारीख उसके शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। और फर्स्ट टेन शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, हर्फ किसे कहते हैं। अच्छा जी, हर्फ से क्या मुराद है या हर्फ किसे कहते हैं, इसमें आपका आंसर आएगा कि होंठों और जुबान की हरकत से पैदा होने वाली सादा आवाज़ों को क्या कहा जाता है, हर्फ कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए आपके पास क्वेश्चन, हरूफ़ तहजी किसे कहते हैं। वो जो हमारे पास होंठों और जुबान की हरकत से पैदा होने वाली सादा आवाज़ें हैं, जब उनकी सीरीज में लिख लिया जाता है तो हम उन्हें कहते हैं सिलसिला वार हरूफ को क्या कहते हैं, हरूफ तहजी। बड़ी सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है कि सिलसिला वार हरूफ तहजी को क्या कहा जाता है, हरूफ तहजी कहा जाता है इन हरूफ को। अच्छा, उसके बाद रस्मुल खत किसे कहते हैं। किसी भी ज़ुबान के तर्ज तहरीर को जो है वो रस्मुल खत कहा जाता है। कोई भी ज़ुबान है उसका जो लिखने का तरीका होगा उसे क्या कहा जाता है, रस्मुल खत। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, ये कूफा का पुराना नाम क्या है। तो आपको पता होना चाहिए ये कूफा का पुराना नाम हमारे पास हेरा है। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम आ जाए, ख़त हमीरी किसने ईजाद किया। तो ख़त हमीरी हमें मालूम है कि हमीर बिन सबा ने ईजाद किया। खत्ताती की तारीफ करें, जब किताबत में दानिस्ता तौर पर आरइश हरूफ का मलिका शामिल किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है, खत्ताती कहा जाता है। अच्छा, जब सिंपल सी किताब लिखी जाती है तो उसे, जैसे कि हमारे पास कोई सी भी टेक्स्ट बुक है जब उसको हम सादा अंदाज में तहरीर करते हैं तो वो किताबत होती है, लेकिन जब हम उसको खूबसूरती से या आरइश हरूफ का मलिका जब हम उसमें शामिल कर लेते हैं तो हमारे पास क्या कहता है, खत्ताती कहलाता है। नेक्स्ट ही किताबत किसे कहते हैं, जब कोई भी हरूफ है उनको सादा अंदाज में तहरीर कर रहे हैं तो वो किताबत कहलाता है। जैसा कि हमारे पास जो भी हमारी टेक्स्ट बुक है वो सादा अंदाज में लिखी गई है, इसीलिए उसको किस में आती है, किताबत वाली कैटेगरी में आती है। लेकिन जब कोई हम आर्ट, कोई पेंटिंग या फिर कोई जैसे हमारे पास जो पुरानी आयात होती हैं उनको जब खूबसूरती के साथ लिखा जाता है तो वो फन खताती के अंदर आएगा, सिंपल किताबत में नहीं आएगा। फिर ख़त नस किसने ईजाद किया, ख़त नस इब्न मितला बेज़ाबी ने ईजाद किया। और ख़त तारीख़ किसने ईजाद किया। अच्छा जी, ख़त तारीख़ के बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री है। ख़त तारीख़ जब ईजाद हुआ उससे पहले अरबी जो है वो माखज़ चल रहे थे, लेकिन ईरान में क्या था कि ईरान वालों का माखज़ जो था वो फ़ारसी था, अरबी उनके लिए जो थी वो नामोज़ू ज़ुबान थी। तो उधर हसन बिन हुसैन फ़ारसी ने तेज़ी से लिखे जाने वाला ख़त ईजाद किया जिसका नाम था ख़त तारीख़। इसका दूसरा नाम है ख़त तरसी। फिर जी लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, ख़त नस तारीख़ इन दो हदूद से मिला। तो ये पता होना चाहिए आपके पास कि ख़त नस्ख और ख़त तारीख़ को मिलाने से आपके पास कौन सा खतूत बन गया है, ख़त नस्ता देख। तो बेटे आप लोगों के ये क्वेश्चंस हैं, इसको आप लोगों ने याद भी करना है और लिखना भी है, तो आपका ये वाला लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो जाए।